तो बहुत दिनों के बाद मैं जठो जी के घर पर पहुंच गई हूं और यहां देखिए बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्या बना रखा आज? पहाड़ी स्पेशल। पहाड़ी स्पेशल सब चीज मिक्स के था, साग बनाई हूं। बहुत बढ़िया किया। यहाँ ऊपर देखिए तीन कमरों का फ्रेम बन चुका है, काफी बड़ा लग रहा है। चांदी सा चमकने वाला हिमालय पर्वत बिल्कुल सोने सा चमक रहा है। मकान बनाने में ये सब प्रॉब्लम होगी हमें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियोगीनाण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के लगभग 1:30 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है। इसी के साथ त्रियोगीनाण गाँव और सामने की पहाड़ियों के नज़ारे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आज अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है तो गाँव के सभी लोग अपने छतों में मंडवे और झंगोरे की मंडाई कर रहे हैं और सामने वाली बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों पर देखिए बादल छाए हुए हैं। और जब वो बादल हट जाएंगे ना तब नज़ारे और भी खूबसूरत देखने को मिलेंगे। जिस दिन सुबह से अच्छे से तेज धूप खिली रहती है उस दिन घर में काम भी बढ़ जाता है। आज मैंने घर के जितने भी कंबल वगैरह थे, साथ ही बेड में और कबर्ड में जो भी कपड़े थे वो सारे बाहर धूप में फैलाए और जितने भी पुराने कपड़े थे ना उनकी कुछ इस तरह से पोटली बना दी है। और दिन के लगभग 2 बजे का टाइम हो गया, सुबह से मेरा यही काम रहा और अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया। तो अभी मैं लंच करने के लिए जा रही हूँ जठो जी के घर पर, वो भी बहुत दिनों के बाद। परसों जठो जी आए थे और आज जठो जी ने बोला आज लंच पे तू आजा बोला, तो अब चलते हैं क्योंकि मैं घर में अकेली थी और हस्बैंड जी अपने काम से जा रखे हैं, तो चलते हैं। मैं गांव के सॉल्ट रास्ते से जठो जी के घर पर जा रही थी और अभी रास्ते में मुझे हस्बैंड जी भी मिल गए हैं। चलो जठो जी के घर पे चलते हैं। थकान लग गई। चलो कोई नहीं, चलते हैं। ठीक है, शाम को आएंगे। हाँ शाम को आएंगे। घर पे ले जाता मैं आपको ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर से हमारा नया घर कुछ इस तरह का दिखता है और हस्बैंड जी बता रहे बहुत सारा काम हो गया। ज्यादा ही हो गया क्या? अच्छा, तो यहाँ पर से कुछ इस तरह का दिखता है। आज तो चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के दिखाई दे रहे हैं, तो अब हस्बैंड जी को भी लेकर चलते हैं अपने साथ। अभी हम खेतों के सॉल्ट रास्ते से जठो जी के घर पर जा रहे हैं और इस वाले खेत में देखिए मंडवे की खेती करी हुई है। मंडवे की बालियां अभी तक नहीं पकी, बिल्कुल हरी हरी हैं और मंडवे के साथ साथ चौलाई की खेती भी करी हुई है। और चौलाई की जो बालियां होती है ना वो दूर से ही दिखने में बहुत ही गजब की लगती हैं और बारिश और हवा की वजह से ये जो मंडवे के पौधे हैं ना वो ज़मीन में सड़ चुके थे, इसलिए कुछ इस तरह से बांध रखे हैं ये देखिए, जिससे न्यार भी ख़राब ना हो और बालियां भी जल्दी पके। और जब लोगों के खेत से इधर उधर जाते हैं ना तो लोग गालियां भी देते हैं कि खेत में रास्ता क्यों लगाया। तो बहुत दिनों के बाद मैं जठो जी के घर पर पहुंच गई हूं और यहां देखिए बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऊपर वाली मंजिल में काम लगा हुआ है और पूरा टिन सेट बना के तैयार हो रहा है, यानी कि घर की सेफ्टी के लिए ऊपर टिन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और पूरा अस्त व्यस्त माहौल हो रखा है, टिन ये जो लोहे के पाइप वगैरह हैं वो इधर फैला रखे हैं। हमारे इधर साइड सीमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लोग सीमेंट के घर तो बना लेते हैं लेकिन जैसी बर्फबारी और पाला पड़ता है ना वैसे सीमेंट से छिलके निकलने शुरू हो जाते हैं, पूरा घर डैमेज हो जाता है। तो ऊपर टिन सेट रहेगा तो पूरे घर की सेफ्टी रह जाती है। मुझे तो भूख लग गई भाई, सीधे खाना खा लेते हैं। हस्बैंड जी तो खाना खा के आ चुके हैं। अभी पुपससुर जी जठो जी के घर पर ही हैं और जिस दिन हमारे घर पर आए थे ना उसके दूसरे दिन ही इनका प्लान घर जाने का था लेकिन कैंसिल हो गया। बस बढ़िया, तो अच्छा किया पुप ससुर जी ने यही रह लिए, भतीजी के घर पर भी कब रहे ना। तो अच्छा की रही, तू अच्छा पूना वही। चलो बढ़िया किया। तो अब मिलते हैं जठो जी से। जठो जी आज किचन में नहीं है क्योंकि वो किचन अभी ठीक करना बाकी है और जठो जी बैठ रखे हैं नए कमरे में। जठो जी पढ़ना सही स्वास्थ्य ठीक से गौरपुन बड़े खाना बहुत दिन बीते दिन हफ्ता बाद मीन आज आओ खाना। बिल्कुल, क्या बना रखा आज? पहाड़ी स्पेशल। पहाड़ी स्पेशल सब चीज मिक्स के था, साग बनाई हूँ। बहुत बढ़िया किया। और जठो जी के हाथ का जो टेस्ट है ना वो सच में बहुत गजब का है। कुछ भी नहीं डालेंगे ना, प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डालेंगे ना,
तब भी मस्त होता है। कुछ नहीं डाल, चिड़ून से डाली हाँ। सराहन डाल ना, लहसुन डाल ना, प्याज डाल ना, टमाटर डाल, बिल्कुल श्राद्ध पक्ष चल रहा है वैसे भी लहसुन प्याज नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना। चलो फिर भी अब खाते हैं तो चलिए जी, जेठो जी ने मेरे लिए खाना परोस दिया है और खाने को देखकर तो मुंह में पानी आ गया। और आज के टेस्टी टेस्टी लंच में है चावल, उसके साथ पहाड़ी ककड़ी और साथ में देखिए मीठे करेले और साथ में ये हरी बीन्स, साथ में बीन्स के जो दाने हैं उनका साग बना रखा है, यानी कि मिक्स साग, बहुत ही टेस्टी होता है। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और शाम के लगभग 4 बजे का टाइम हो गया है। अब शाम की गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। बालेश्वर और हस्बैंड जी तो चाय का मज़ा ले रहे हैं ऊपर छत में बैठकर। तो चाय पीने से पहले मैं आपको यहाँ ऊपर का काम भी दिखा देती हूँ कि कितना काम हुआ है। यहाँ ऊपर देखिए 3 कमरों का फ्रेम बन चुका है, काफ़ी बड़ा लग रहा है और ऊपर छत पर टिन भी लग चुकी है। इसके बाद यहाँ पर शायद ईंट की चिनाई भी हो सकती है और सीमेंट बोर्ड भी लग सकते हैं। भाई जी लोगों ने अपनी मशीनें देखिए यहीं पर रखी हुई हैं, आज सुबह से लाइट नहीं है इसलिए आज काम बंद है। और यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, बड़े गजब के दिखाई देते हैं। यहाँ से सनसेट हो चुका है और सामने वाली पहाड़ी पर मस्त धूप खिली हुई है। तो अब शाम की गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय का आनंद लेते हैं। और वैसे ना मैंने चाय छोड़ दी थी लेकिन ठंडा इतना हो रहा है कि चाय पीने का मन कर रहा है, अब बाद में छोड़ेंगे गर्मियों के टाइम पर। अभी श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, उससे पूरी तरह से बादल छट गए हैं। अभी सनसेट का टाइम भी है तो ये नज़ारा देखने में बड़ा गजब लग रहा है। तो आज दिन भर हम जठो जी के घर पर रहे, शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया है और ठंडी ठंडी हवा इतनी भयंकर चल रही है, हाफ स्वेटर से भी काम नहीं चलने वाला, फुल कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने नए वाले घर में, वहाँ भी थोड़ा काम देख लेते हैं। और जठो जी के किचन गार्डन में देखिए राजमा की एक छोटी सी बेल है और इस पर देखिए राजमा की फलियां बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगी हुई हैं। ये देखिए जी, एक एक जगह पर 8-10 फलियां लगी हुई हैं। हमारे गांव के स्टेशन में भी काफ़ी सारे टेम्पो ट्रैवल खड़े हो रखे हैं, यानी कि काफ़ी सारे श्रद्धालु यहां त्रियुगीनारायण भगवान जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो यहां स्टेशन पर से थोड़ा सा ही सीढ़ियां चढ़नी हैं और नज़दीक पर ही हमारा नया वाला घर बन रहा है। और इधर साइड देखिए लोगों ने अपने किचन गार्डन में राजमा की खेती करी हुई है और सारी जगह राजमा हो गई है। कुछ दिनों के बाद लोग राजमा भी निकालने लग जाएंगे क्योंकि राजमा पकने का टाइम भी होने ही वाला है। ये देखिए जी, ये देखिए पक भी रखे हैं, ये देखिए ये बिल्कुल सूखी सूखी हो रखी हैं तो ये पक रखी हैं। तो चलिए जी, अभी हम अपने नए वाले घर पर काम देखने के लिए आए हैं और इधर साइड देखिए ग्राउंड फ्लोर में भी टाइल लगना स्टार्ट हो गया है और इसमें शायद आज ही टाइल लगाई इसलिए यहाँ जाने के लिए मना किया हुआ है और अभी बाहर टाइल लगना बाकी है। काफ़ी सारी टाइल देखिए यहाँ पर रखी हुई हैं और इस वाले कमरे में डस्ट और रेत स्टोर करके रखी हुई है, यानी कि इस पूरे मकान पर अभी बहुत ज़्यादा काम है और टाइल लगने में ही लगभग 2 महीने का टाइम लग गया और लगना भी है ही भाई, बहुत ज़्यादा काम भी है। और साथ ही यहाँ पर जो मिस्त्री लोग हैं ना वो बाहर से ही हैं, मतलब आउट ऑफ स्टेट से हैं, कुछ उत्तराखंड से ही हैं। तो क्या होता है बीच में जब त्यौहार आते हैं ना तो वो 1 हफ्ता बोलकर 2 हफ्ते के लिए जाते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी ये है कि जो भी मिस्त्री लोग पहाड़ों में काम करने के लिए आते हैं ना बहाने उनके पास एक से बढ़कर एक रहते हैं। मकान बनाने में ये सब प्रॉब्लम होगी हमें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, रुपये देने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोग काम नहीं करते हैं और मैं बहुत कम बोलती हूँ आपके साथ, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, चलो वो तो होता ही है जीवन में, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं और मकान के काम में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, परेशानियाँ चारों तरफ से आती हैं। और जो आउट ऑफ स्टेट से जो मिस्त्री हमारे यहाँ पर काम कर रहे थे ना उनको तो बरसात के टाइम पर यहाँ डर लगा, जबकि हमारा ये जो मकान है बिल्कुल सेफ जगह पर है, लेकिन जो बिजली कड़कती है ना पहाड़ों में वो उससे डर गए और जब गए तो वापस आए ही नहीं, बोला करना ही नहीं है काम पहाड़ों में। सनसेट के लालिमा बादलों के साथ साथ श्री केदारनाथ धाम के पीछे के हिमालय पर्वत पर बहुत ही गजब की लग रही है। अभी चांदी सा चमकने वाला हिमालय पर्वत बिल्कुल सोने सा चमक रहा है, ये देखिए जी ये नज़ारा बड़ा गजब का दिखाई देता है। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और गांव की दीदी भुली लोग देखिए अभी खेतों से आ रहे हैं झुंगोरा लेकर। ये दी क्या मैं साफ दिखाना भाई।
लगभग 8 बजे का टाइम हो गया है और पड़ोस में दीदी भुली लोगों के साथ जैसे ही गपशप लगती है ना, तब टाइम का कुछ भी पता नहीं चलता है। तो अब फटाफट से डिनर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। अभी घर पर अवजीत आ रखा है और साथ ही उप्रधान जेठ जी भी आ रखे हैं। बोल रहे हैं जल्दी बनाओ खाना, हम भी खाना खा के जाएंगे, बोला। तो फटाफट से खाना बनाते हैं। जेठ जी कब आए? अच्छा, डिनर करके जाएंगे अब। चलो बढ़िया। हाँ, आज डिनर होगा, अब जीत का भी होगा आज डिनर यहीं घर। क्यों? हम सभी ने आज का डिनर भी कर लिया है और उप्रधान जेठ जी अभी अभी अपने घर को गए हैं और हम सभी ने आपस में बहुत ज़्यादा हंसी मजाक की, बहुत ज़ोर ज़ोर से हम हंस रहे थे और अब सो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।